भाई समर्स एक ऐसा सीजन है जिसमें ऑल डे फ्रेश और अच्छा दिखना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि समर्स में सबसे मेन प्रॉब्लम स्वेटिंग, कपड़ों में अनकंफर्टेबल फील करना, सनलाइट से टैनिंग और बैड स्मेलिंग होती है, जिसके वजह से हम गर्मियों में अच्छे नहीं दिख पाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप फॉलो करने के बाद समर्स में भी ऑल डे फ्रेश और अच्छे दिख सकते हैं। उसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे ही टिप्स बताए हैं जिससे आप समर्स में भी ऑल डे फ्रेश और अच्छे दिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप है वियर कॉटन और लिनन क्लोथ्स। भाई समर्स में काफ़ी सारे लोग डेनिम मटेरियल और थिक फैब्रिक वाले कपड़े पहनते हैं, जो कि बहुत अनकंफर्टेबल होता है। आपको इन्हें अवॉइड करना है, क्योंकि आपको ऑल डे फ्रेश दिखने में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। समर्स में पहनने के लिए कॉटन और लिनन से बने कपड़े काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल होता है और लाइट वेट होता है। समर्स में आपको कॉटन या लिनन से बने कपड़े ही पहनना चाहिए। हाँ, लेकिन लिनन से बने कपड़े थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, तो अगर आपका बजट लो है तो आप सिर्फ कॉटन से बने कपड़े ही पहन सकते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। एक मिस्टेक जो ज़्यादातर लोग करते हैं कि समर्स में वो डार्क कलर्स के कपड़े पहनते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अनकंफर्टेबल फील होता है और ये ज़्यादा स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि डार्क कलर्स हीट को अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए समर्स में आप सिर्फ लाइट कलर्स के कपड़े ही पहने, ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। दूसरी टिप है रिमूव ऑल अनवांटेड हेयर्स। अगर समर्स में आप अपने प्राइवेट पार्ट्स और आर्मपिट्स को क्लीन नहीं रखते हैं तो वहाँ से ज़्यादा स्वेट प्रोड्यूस होता है, जिससे हमें काफ़ी सारे स्किन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसलिए समर्स में हमें अपने प्राइवेट पार्ट्स, आर्मपिट्स और चेस्ट के बाल को सेव करके रखना जरूरी है, और प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन करने के लिए इंटीमेट वॉशिंग यूज करें, क्योंकि ये आपके प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन करने के लिए बेस्ट रहता है। और समर्स में ज़्यादा बड़े बियर्ड्स को मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए आप अपने बियर्ड को ट्रिम करके ही रखें, ताकि हम समर्स में ऑल डे फ्रेश फील कर सके और अच्छे दिख सके। तीसरी टिप है यूज एंटीबैक्टीरियल सोप। भाई समर्स में हम पसीने की प्रॉब्लम से सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं, इसलिए नहाते समय आप एंटीबैक्टीरियल सोप या एंटीबैक्टीरियल बॉडी वॉश जरूर यूज़ करें। यह आपके बॉडी से स्वेट और बैक्टीरिया को क्लीन कर देगा, जिससे आप दिन भर फ्रेश फील करोगे। और हाँ, अगर आप 24 घंटे फ्रेश फील करना चाहते हैं तो डेली दो बार जरूर नहाएं। चौथी टिप है अवॉइड ऑयली मॉइस्चराइजर। समर्स में आपको वैसे मॉइस्चराइजर नहीं लगाना है जो कि ऑयल बेस्ड हो, क्योंकि अगर आप ऑयली मॉइस्चराइजर यूज़ करोगे तो आपका फेस ऑयली दिखता है, जिससे आप ऑल डे अच्छा नहीं दिख सकते हैं। और ज़्यादातर लोग शायद इसलिए मॉइस्चराइजर नहीं लगाते हैं, ताकि उनका फेस ऑयली ना दिखे। देखिए, मॉइस्चराइजर आपको हमेशा लगाना चाहिए, लेकिन समर्स में आप वैसे मॉइस्चराइजर लगाएं जो स्टिकी ना हो, जो ऑयल फ्री हो। ये आपके फेस को ऑयली नहीं दिखाते हैं और ये आपको दिन भर अच्छा भी दिखाता है। पांचवी टिप है परफ्यूम। समर्स में लोग सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ से परेशान है तो वह है पसीना। अब देखो, पसीना आएगा तो बदबू भी आएगी ही, और अगर आपके बॉडी से बदबू आएगी तो ये आपके पूरे लुक की मार सकता है। इसलिए समर्स में आपके पास एक अच्छा सा परफ्यूम जरूर होना चाहिए, ताकि आप अच्छा स्मेल कर सको और पूरे दिन फ्रेश फील कर सको। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा बियर्डो विस्की स्मोक परफ्यूम, इसकी फ्रेगनेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। छठी टिप है अवॉइड लॉन्ग हेयर स्टाइल्स। आपको समर्स में कभी भी लॉन्ग हेयर स्टाइल्स नहीं रखना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग होता है और इन्हें मैनेज करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, और इनमें से ज़्यादा स्वेट भी प्रोड्यूस होते हैं, जिससे आपके बाल भी डैमेज हो सकते हैं। इसलिए समर्स में हमेशा शॉर्ट हेयर स्टाइल्स ही रखना ज़्यादा अच्छा होता है। देखो, शॉर्ट हेयर स्टाइल्स में आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो और इनमें ज़्यादा प्रोडक्ट्स की भी ज़रूरत नहीं होती है, और इन्हें मैनेज करना काफ़ी आसान होता है। तो आप ये कुछ हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हैं, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होंगे। लास्ट टिप है अप्लाई सनस्क्रीन। भाई सनस्क्रीन आपको कंफर्टेबल फील नहीं कराएगी, लेकिन आपको सन के हार्मफुल रेस से जरूर बचाएगी, जिससे आपको टैनिंग होती है और आप अच्छे नहीं दिख पाते हैं। तो इसलिए आपको रोज सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करना चाहिए, ताकि आप सन के यूवी रेस से बच सकें। ये हैं कुछ टिप्स जिन्हें अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो तो समर्स में आप ऑल डे फ्रेश और अच्छे दिख सकते हैं। मैं वीडियो को एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले टिप है वियर कॉटन और लिनन क्लोथ्स। समर्स में आपको लिनन और कॉटन से बने कपड़े ही पहनने चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं और लाइट वेट होते हैं। दूसरी टिप है रिमूव ऑल अनवांटेड बॉडी हेयर्स। समर्स में आपके बॉडी के जितने भी अनवांटेड हेयर्स हैं, जैसे कि चेस्ट, आर्मपिट और प्राइवेट पार्ट्स, इन सभी के आपको क्लीन करके रखना है। तीसरी टिप है यूज एंटीबैक्टीरियल सोप। समर्स में सबसे मेन प्रॉब्लम स्वेटिंग का होता है, इसलिए आपको एंटीबैक्टीरियल सोप यूज जरूर करना है जब आप नहाएं, जिससे आपके बॉडी के बैक्टीरिया और पसीने क्लीन हो जाते हैं। चौथी टिप है अवॉइड ऑयली मॉइस्चराइजर। समर्स में आपको ऑयली मॉइस्चराइजर को अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप ऑयली मॉइस्चराइजर यूज करोगे तो आपका फेस ऑयली दिखता है। पांचवी टिप है परफ्यूम्स। देखिए, समर्स में सबसे मेन प्रॉब्लम स्वेटिंग का होता है,
और स्वेटिंग होगी तो बदबू भी आएगी, इसलिए आपके पास एक अच्छा सा परफ्यूम जरूर होना चाहिए। छठी टिप है अवॉइड लॉन्ग हेयर स्टाइल। समर्स में आपको हमेशा शॉर्ट या फिर मीडियम हेयर स्टाइल ही रखना है क्योंकि लॉन्ग हेयर स्टाइल के कंपैरिजन में थोड़े कंफर्टेबल होते हैं। और लास्ट टिप है अप्लाई सनस्क्रीन। अगर समर्स में आपको टैनिंग से बचना है तो आपको रूट सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए। महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए।